हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो वाई 200e 5G फ़ोन है, तो वीवो वाई 200e 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन की जो ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स हैं, तो भी फ़ोन की ब्लूटूथ प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में, और कैसे अपने ब्लूटूथ की नेटवर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर पाएंगे वीवो वाई 200e 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम वीडियो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही फिर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स भी आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है आपके फ़ोन में, तो स्लाइड करते हुए आपको जाना होगा सिस्टम सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही सिस्टम सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। सिस्टम सेटिंग्स को ओपन करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आपके फ़ोन में ऑप्शन आया था आपके फ़ोन में रीसेट का। तो रीसेट पे जाते हैं तो आप ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे जाएंगे तो जो भी ब्लूटूथ ऑल नेटवर्क सेटिंग्स होती है आप उसको रीसेट कर सकते हैं। सिंपली इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इस पे जाते ही अब जो भी ब्लूटूथ ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो भी ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो ब्लूटूथ ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप रीसेट कर पाएंगे, और रीसेट करते ही ब्लूटूथ प्रॉब्लम में आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से भी ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वीवो वाई 200e 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।